तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग फ्रोबेनियस मेथड के केस नंबर 3 और केस नंबर 4 और उससे रिलेटेड एग्जांपल। सो एज द केस नंबर 3 सेज व्हेन द रूट्स m1 एंड m2 आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरिंग बाय एन इंटीजर देन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू c1 टाइम्स y द वैल्यू ऑफ y एट पॉइंट m1 एंड c2 डू y बाय डू m the value of dou y by dou m at the point m2. Now, take the first question of this case, that is x square d2y by dx square plus x dy by dx plus x square minus 4 is into y is equal to 0. Now, in this case, x into px, this is the value of p. So, जब x स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी x स्क्वायर का टर्म होगा। So, the value यहाँ पे हो जाएगा हमारा x px और x स्क्वायर qx। वैल्यू अगर जीरो पे पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट इसका वैल्यू नहीं होगा p और q का। So, at x is equal to 0 is a regular singular point of this equation. Now, using Frobenius method of power series solution, that is taking y is equal to summation ak x to the power m plus k, और इसका फिर हम लोग first order derivative और second order derivative find करेंगे, और इस तीनों का value y का dy by dx और d2y by dx square का value को equation 1 में substitute करेंगे। Substitute करने के बाद हमारा form कुछ इस तरह से होगा, x square summation ak m plus k minus 1, x to the power m plus k minus 2, plus x summation ak m plus k x to the power m plus k minus 1, plus x square minus 4 summation ak x to the power m plus k. Now when x square का term जब इससे multiply होगा, तो ये हो जाएगा x to the power m plus k, उसी तरह से x का term जब इसके साथ multiply होगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस k। x स्क्वायर का टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस k प्लस 2, और जब 4 का टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस k। तो इस तरह से x टू द पावर m प्लस k का टर्म एक 1 2 और 3 जो लास्ट टर्म है 4 से मल्टीप्लाई होके वहां पे मिलेगा। सो इस तीनों में हम एक एक कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा m plus k plus 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, next यहाँ पे हो जाएगा m plus k तो m plus k, और ये 4 का टर्म जो मल्टीप्लाई होती है minus 4 x to the power m plus k, and the remaining टर्म जो होगा जो इससे मल्टीप्लाई हुआ था x square से, so हो जाएगा ak x to the power m plus k plus 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से ये टर्म जब ब्रैकेट के अंदर के टर्म को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m प्लस के प्लस 2 m प्लस के माइनस 2 x टू द पावर m प्लस के समेशन ak x टू द पावर m प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0, नाउ टेकिंग एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x टू द पावर m इन इक्वेशन 2 इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग k इज इक्वल टू 0 इन द फर्स्ट समेशन ओनली एंड इक्वेटिंग इट टू द 0। So, सबसे लोएस्ट टर्म क्या होगा, लोएस्ट टर्म होगा जब हम लोग यहाँ पे k के जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे। सो हमारा टर्म होगा x टू द पावर m, तो जहां जहां k का टर्म है वहां वहां पे हम लोग 0 पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा a नॉट m प्लस 2 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एज a नॉट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज सो दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सो m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा वैल्यू आएगा m का फर्स्ट वैल्यू माइनस 2 और यहाँ पे वैल्यू आएगा m इज इक्वल टू 2। नाउ टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट लोवेस्ट टर्म दैट इज x टू द पावर m प्लस 1 इन समेशन 2। अब x टू द पावर m प्लस 1 लाने के लिए इक्वेशन 1 में क्या पुट करना होगा, इसमें हमको पुट करना होगा k की जगह पे 1 फर्स्ट समेशन में, और यहाँ पे हमें पुट करना होगा k की जगह पे 1 पुट करना है, तो यहाँ पे k की जगह पे हमको माइनस 1 पुट करना होगा। तो ये सीरीज हो जाएगा हमारा फर्स्ट सीरीज में ही हम लोग पुट करेंगे, तो ये तो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं
सेकेंड वाला टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ k इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं इन द फर्स्ट समेशन एंड इक्वेटिंग इट टू द जीरो, सो वी गेट a1 m प्लस 3 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से चूंकि फर्स्टली हम सॉल्व कर चुके हैं कि m का वैल्यू माइनस 2 और 2 है, तो यहाँ m का वैल्यू 1 और माइनस 3 एक्सेप्टेबल नहीं है, सो a1 इज इक्वल टू 0 यहाँ मेरा सोल्यूशन होगा. नाउ लास्ट टू फाइंड द रिकरेंस प्रॉपर्टी ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू इक्वेट द लास्ट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m प्लस k प्लस 2 टू 0. तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारा लास्ट टर्म कोफिशिएंट जो है वो है ए के, लेकिन चूंकि m प्लस k प्लस 2 के टर्म को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे k के टर्म पर भी हमको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा. तो फर्स्ट समेशन में k की जगह पे पुट करेंगे k प्लस 2, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ए के प्लस 2 एम प्लस के प्लस 4 एम प्लस के प्लस के इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिकर्सन फॉर्मूला आएगा ए के प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के डिवाइडेड बाई एम प्लस के प्लस 4 एम प्लस के. नाउ एज द वैल्यू ऑफ ए वन इज इक्वल टू 0, सो अगर हम के जगह पे 0 पुट करें तो ए टू का वैल्यू आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 अगर फाइंड करने जाए जैसे 2 है तो k के जगह पे अगर हम 1 पुट करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा a3. a3 इज इक्वल टू a1, a1 के टाइम्स में आएगा और a1 का वैल्यू हम लोग पहले ही कंसिडर कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं 0. इस तरह से और टर्म्स जितने भी होंगे a1 a3 a5 सारे के वैल्यूज जो आएंगे वो 0 है. नाउ इवन टर्म्स फाइंड करेंगे तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 फाइंड करना है तो k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे so a2 is equal to हो जाएगा minus a naught divided by m times m plus 4. similarly a4 हो जाएगा minus of a2 m plus 2 m plus 6. और a2 चूंकि हम लोग यहाँ पहले ही find कर चुके हैं ये in terms of a naught, so ये हो जाएगा जब इसका value हम लोग यहाँ substitute करेंगे तो ये हो जाएगा a naught divided by m into m plus 2 m plus 4 m plus 6. इसी तरह से a6 का जब value find करेंगे तो ये a4 के terms में आएगा और a4 फाइंड करने के लिए फिर हम लोग a4 फाइंड कर चुके हैं, इसका वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे सो ये आएगा माइनस ऑफ a नॉट m m प्लस 2 m प्लस 4 स्क्वायर m प्लस 6 प्लस m प्लस 8. सो आवर सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू, सीरीज में हम लोग पुट करेंगे तो सिर्फ इवन टर्म्स को कंसीडर करेंगे और टर्म्स से चूंकि पहले ही हमारा जीरो हो चुका है, सो y इज इक्वल टू a नॉट x टू द पावर m 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एम इंटू एम प्लस 4. इसी तरह से x टू द पावर 4 और x टू द पावर 6 के टर्म्स को हम यहाँ लिखेंगे. m के दो वैल्यू हम लोग ने कंसिडर किए थे, पहले ही फाइंड किए हैं m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2. तो फर्स्ट हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में m इज इक्वल टू 2. m इज इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो हमारा सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, जहां जहां m का टर्म है वहां पर हम लोगों ने 2 पुट कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया. उसी तरह से m टू द पावर m के वैगर पर माइनस 2 जब पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू इजिली सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 x टू द पावर 6 इन इक्वेशन 3 बिकम्स इनफाइनाइट ऑन पुटिंग m इज इक्वल टू माइनस 2. जैसे माइनस 2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे चूंकि पहले से 2 का टर्म है और माइनस 2 पुट कर देंगे तो ये जो टर्म हो जाएगा वो 1 बाई इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो जाएगा और इस केस में इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है. तब केस नंबर 3 का जो प्रॉपर्टी था कि डू एम बाय डू वाई फाइंड करते हैं एट द वैल्यू ऑफ एम, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा. टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी वी पुट अनदर सब्स्टिट्यूशन दैट इज ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट टाइम्स एम प्लस 2 इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट वाई इज इक्वल टू बी नॉट एक्स टू द पावर एम एम प्लस 2. जहां जहां पे एम है वहां पे हम लोग ने क्या पुट कर दिया, एम प्लस 2. So, ये m plus 2 के फॉर्म में ये इक्वेशंस हो गए. अब इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m. सो इक्वेशन नंबर 5 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू m, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा और b नॉट टाइम्स ये हो जाएगा x टू द पावर m log x और ये सारे टर्म्स इस तरह से डिफरेंशिएट हो गए. डिफरेंशिएट हो जाने के बाद नेक्स्ट फर्स्ट u इंटू v के मेथड से है तो पहले हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया और नेक्स्ट फिर हम ये सेकेंड वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आएंगे. अब हम लोग क्या करेंगे, m को रिप्लेस कर दें, चूंकि मैं m का मेरा वैल्यू यहाँ पे क्या है
माइनस ऑफ टू, सो डू एम बाई डू वाई माई एम ऑफ माइनस टू हो जाएगा इस तरह से, जहां जहां m है वहां पे माइनस टू पुट कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा b नॉट x टू द पावर माइनस टू लॉग x, जीरो फर्स्ट टर्म जीरो, देन सेकंड टर्म जीरो, थर्ड टर्म x टू द पावर फोर माइनस टू इंटू टू इंटू फोर, एंड देन जो पहले हमारा इनफाइनाइट हो जा रहा था वो इस तरह से इजिली यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब ये वैल्यू हमारा y2 हो गया, इस y2 के वैल्यू को हम लोग जनरल सोल्यूशन में इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, सो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू सी वन टाइम्स वाई वन प्लस सी टू टाइम्स वाई टू। वाई वन का वैल्यू को हम लोगों ने पहले ही फाइंड किया हुआ है, उसको यहाँ पे लिख देंगे, एंड वाई टू का वैल्यू का भी हम लोगों ने फाइंड किया पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हुए, उसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो इस तरह से फ्रोबेनियस मेथड के केस नंबर थ्री सोल्यूशन को यूज करते हुए हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर सीरीज सॉल्यूशन। सबसे लास्ट केस है हमारा केस नंबर फोर, इफ द रूट्स डिफर बाय एन इंटीजर सच दैट वन ऑफ मोर कोएफिशिएंट्स आर इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म हम लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा है, जो जीरो बाय जीरो का फॉर्म होता है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म होता है, सबको हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। सो आज देखते हैं कैसे ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म के प्रॉब्लम्स को हम लोग इसमें यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज द फाइंड द एक्सटेंडेड पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या वाई डबल डैश प्लस फोर एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। नाउ इन दिस केस एक्स पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर क्यू एक्स आर एनालिटिक नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी एंड एट एक्स इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू जीरो इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन और दिस सॉल्यूशन। नाउ टेकिंग वाई इज इक्वल टू समेशन ए के एक्स टू द पावर एम प्लस के बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो नाउ जैसे हम लोगों ने पहले प्रोसीड किया था केस वन टू थ्री में, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे और सारे के वैल्यू को y का dy by dx और d2y by dx स्क्वायर के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका फॉर्म कुछ इस तरह से हुआ, फिर इस x स्क्वायर वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सारे सेम प्रोसीड्योर है, x के टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर का टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एम प्लस के और टू के वैल्यू को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर एम प्लस के हो जाएगा। इस तरह से एम एक्स टू द पावर एम प्लस के हमारे तीन टर्म हो जाएंगे, फर्स्ट यहां से, सेकंड यहां से और थर्ड लास्ट वाले से, और एक एक्स टू द पावर एम प्लस टू का टर्म होगा जो इस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के चलते हुआ। तो फर्स्ट टर्म से हमको मिला कॉमन लेने से ए के एम प्लस के माइनस वन एक्स टू द पावर एम प्लस के, फिर फोर से मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया था एम प्लस के, यहाँ पे फिर एम प्लस के माइनस टू हुआ, यहाँ प्लस टू होगा और एक्स टू द पावर एम प्लस के हुआ। इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया तो फर्स्ट से हमको जो कॉमन टर्म्स मिला एक्स टू द पावर एम प्लस के लिए वो कुछ इस तरह से मिला और नेक्स्ट वाला जो हमारा अनदर एक्स टू द पावर एम प्लस के था वो हमारा कुछ इस तरह से रहा एक्स टू द पावर एम प्लस के प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये एम प्लस के से मल्टीप्लाई होगा तो एम प्लस के का होल स्क्वायर होगा और एम प्लस के इंटू माइनस ऑफ एम प्लस के होगा और फोर टाइम्स पहले से है तो फोर से एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा थ्री टाइम्स एम प्लस के प्लस टू एक्स टू द पावर एम प्लस के और ये लास्ट टर्म था हमारा जो कहते हुए। सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ जैसे हम लोग फिर करते हैं कि लोएस्ट डिग्री टर्म हमारा एक्स टू द पावर एम होगा तो पहले वाले टर्म में हम लोग के इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे फर्स्ट समेशन में, सो हमारा टर्म हो जाएगा ए नॉट एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। So as a naught is the very first term, this value is not equal to zero. So m square plus 3m plus 2 is equal to zero. So m plus 1, m plus 2 is equal to zero. तो यहाँ से हमारे m के दो वैल्यू आए, m is equal to minus 1 and m is equal to minus of 2. The coefficient of next हम लोग क्या करेंगे कि coefficient of next lowest term जो है x to the power m plus 1 find करने के लिए equation 2 में k is equal to 1 put करेंगे first summation में, equation 2 में k is equal to first summation में हम लोग put करेंगे k is equal to 1, तो जहां जहां k का term है वहां वहां 1 हम लोग put करेंगे। तो ये आ गया हमारा equation a1 m square plus 5m plus 6 is equal to 0, so a1 is equal to m plus 2 m plus 3 is equal to 0 और पहले ही हम लोगों ने m का value जो है minus 1 upon 2 यूज किया तो ये एक 0 हो गया, so a1 का value हो गया यहाँ पे 0। Now when m is equal to minus 2, a1 becomes 0 by 0 form. जब हम लोग यहाँ minus 2 put कर देंगे
तो ये एक 0 by 0 का फॉर्म हो जाएगा, ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है जिसे हम लोगों ने पहले ही कैलकुलस में सब डिस्कस किया है. एंड m इज इक्वल टू -2, वी गेट द आइडेंटिटी a₁ 0 इज इक्वल टू 0 व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय एवरी वैल्यू ऑफ a₁. सो देयरफॉर दिस केस वी कैन टेक a₁ एज आर्बिट्री कांस्टेंट एंड इक्वेटिंग टू द 0 ऑफ x टू द पावर ऑफ. हम लोग रिकरेंस प्रॉपर्टी फाइंड करने जा रहे हैं, तो रिकरेंस प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए लास्ट में हम लोग x टू द पावर m प्लस k प्लस 2 के टर्म्स को इक्वेट करेंगे. सो इक्वेशन 2 जो हमारा है वहां पे x टू द पावर m प्लस k का 2 का टर्म एक है, लेकिन यहां पर भी m प्लस 2 का टर्म आएगा तो k की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे k प्लस 2. तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a k प्लस 2, फर्स्ट समेशन जो है m प्लस 2 k स्क्वायर प्लस 3 m प्लस 2 प्लस k प्लस 2 प्लस a k इज इक्वल टू 0. ना इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिकरेंस प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ए के प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर 2 के प्लस 7 इंटू एम प्लस के स्क्वायर प्लस 7 के प्लस 12 इज इक्वल टू ए के. नाउ फॉर के इज इक्वल टू 0 वी गेट ए 2 इन टर्म्स ऑफ ए नॉट. सिमिलरली फॉर के इज इक्वल टू 1 वी गेट ए 3 इन टर्म्स ऑफ ए 1. नाउ फॉर के इज इक्वल टू 4 ए 4 फाइंड करेंगे हम लोग ए 2 के टर्म्स में. ए 4 जो है फिर हमारा ए 2 का जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है इसके वैल्यू को, इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए 2 की जगह पे, तो हमारा टर्म हो जाएगा ए 4 इज इक्वल टू दिस. इस तरह से हम लोग बाकी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो हमारा एम का जो वैल्यू था -1 वो पुट करेंगे तो ए 2 का वैल्यू आएगा 1/6 ए नॉट, ए 3 1/12 ए नॉट, ए 4 1/120 ए नॉट और ए 5 आएगा 1/360 ए 1. सो फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा y1 x टू द पावर -1. a1 हमारा यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट था तो a1 का वैल्यू जो हम लोगों ने a नॉट के रिस्पेक्ट में फाइंड किया और दूसरा वैल्यू जो है a1 के इस रिस्पेक्ट में हम लोगों ने फाइंड किया, जिस सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आया. नाउ m का सेकंड वैल्यू m इज इक्वल टू -2 जब पुट करेंगे तो a2 का वैल्यू आएगा -1/2 a नॉट, a3 का वैल्यू आएगा 1/6 a1, a4 का वैल्यू आएगा 1/24 a नॉट एंड e5 का वैल्यू आएगा 1/20 a1. ये सारे जो वैल्यू हम लोगों ने पहले कंसिडर किए हैं इसी में हमें को पुट करना है. इसके बाद हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा जो टर्म हमारे ए नॉट के रिस्पेक्ट में कॉमन है उसको a1 के रिस्पेक्ट में कॉमन में लिखेंगे, इस तरह से a1 के रिस्पेक्ट में जो टर्म कॉमन है उसको a1 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे. दोनों में से x टू द पावर -2 कॉमन लेके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने से हमारा हो जाएगा ए नॉट कॉस एक्स और a1 साइन एक्स. तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y times y is equal to ay1 plus by2. So, इस तरह से हमारा Frobenius method हमारा solve हो गया, और solve होने के बाद अब next हम लोग start करेंगे Legendre differential equation. And Legendre differential equation को power series solution से कैसे solve कर सकते हैं, एक एक करके हम सारे wave functions को solve करेंगे.